हेलो एवरी वन आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर एवर डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपके टाइम प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए मैं पिछले पच्चीस साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं बेहेवियस टू डॉग्स के लिए एंड आई एम पठानकोट बेस्ड आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए आया और वो टॉपिक है कि डाइट शेड्यूल बैलेंस डाइट शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डॉग की लाइफ के लिए हेल्दी लाइफ के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए मैक्सिमम लोग जो हैं हम लोग क्या करते हैं नाइन्टी परसेंट ऑफ पेट पैटॉनर्स हम लोग कुछ भी जो हमें लगता है हम ये खाना दे सकते हैं हमारा डॉग खा लेता है हम वो उसे दे देते हैं मेरे सामने दो एग्जाम्पल्स हैं पूरा डिटेल बताऊंगा उससे पहले आप ये समझिए ये तीन महीने का लेबरेटर है ये जो ब्रूनो है ये तीन महीने का लेबरेटर और ये जो गोल्डन रिट्रीवर है मेरे राइट हैंड में इसका नाम बैब्लो है और ये भाई साहब पाँच महीने के हैं ये जो भाई साहब हैं पाँच महीने के हिसाब से इनकी ग्रोथ बहुत कम है रीज़न ये है कि ये खाना अच्छे से नहीं खाते खाना खाना पसंद नहीं करते या उसको डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से जब भी उसे कुछ हेल्दी देने की कोशिश करते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं होता और ये जो है लैबरेटर भाई साहब ब्रूनो ये कुछ भी खाते हैं कितना भी खाते हैं जितना भी खिला दो दोनों चीज़ें गलत हैं ये ओबेस्टी हो गई है मोटापा आ गया इसको बहुत ज़्यादा इसका बैठने का पोस्चर अगर आप देखोगे देखिए आप इसे बैठा नहीं जा रहा है दिस इज़ नॉट द वे इसको इस वे से नहीं बैठना चाहिए वो गलत है ओवर ईटिंग हो गई और बैलेंस फूड नहीं जा रहा और ये जो है ये भाई साहब जो है जैकी चैन टाइप पतले से एकदम जिम जाने वाले पतले स्लीक एकदम लेकिन वो गलत है हेल्दी होना बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स हम कितना खाना दें बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करेगा अब देखिए मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं जनरली थ्री मंथ का लेबोरेटर है थ्री मंथ के लैबोरेटर को हम क्या दें अब देखिए आपके सामने लाइव एग्जांपल है अगर ये थ्री मंथ का लेबोरेटर है तो इसका बैलेंस डाइट शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है और इसका फीड और डाइट जो है हमें रिड्यूस करना पड़ेगा हेल्थ ट्रॉनिक्स इंप्रूव करनी पड़ेगी फाइबर इंप्रूव करना पड़ेगा बिकॉज ये ऑलरेडी मोटा हो गया इसका बैठने का पोस्टर बहुत गलत है और जो अगर मैं गोल्डन रिट्रीवर की बात करूं अगर ऐसी हेल्थ थ्री मंथ्स के लेबोरेटरी की होगी तो उसके लिए अलग डाइट शेड्यूल चलेगा तो कस्टमाइज डाइट शेड्यूल होना बहुत ज़रूरत है कस्टमाइज डाइट शेड्यूल यानी आपके डॉग की क्या रिक्वायरमेंट है उसको हेल्थ ट्रॉनिक्स चाहिए उसके जॉइंट्स की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसको ओबेस्टी तो नहीं है मोटापा तो नहीं आ रहा और उसके क्या जॉइंट्स फॉर्मेशन प्रॉपर हो रही हैं हेड कैसा है अब इसका हेड देखिए बहुत अच्छा है हेल्दी हेड है लेकिन उसका हेड बहुत वीक हो रखा वो नहीं आप माली थोड़ा जो घास खा रहे हो वही नहीं उठ उठे इधर अब बेसिकली हम लोगों को अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए डॉग फूड देना ज़रूरी है कर्ड देना जरूरी है बॉयल्ड एग देना जरूरी है चिकन देना जरूरी है हेल्थ टॉनिक्स भी जरूरी है लेकिन कितनी हेल्थ टॉनिक देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में सब चीज अवेलेबल है एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर अब देखिए इसके एक ये फैट इसका यहाँ पे भी दिख रहा है ये देखिए ये पूरा चर्बी बनी हुई है इसके यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी ये होनी नहीं चाहिए इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस बच्चे को भी आज से कस्टमाइज डाइट शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं और इस बच्चे का भी आज से कस्टमाइज डाइट शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं एक महीने बाद दोबारा इन दोनों के साथ मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इनकी ग्रोथ चेक करने के लिए इसकी इनकी ग्रोथ चेक करने के लिए कि इसने कितना इंप्रूव किया अब जैसे उसके एक्स्ट्रा फैट है इसके बिल्कुल फैट नहीं है देखिए इस बच्चे के बिल्कुल फैट नहीं है बोन्स निकली हुई हैं रिब्स निकली हुई हैं और ऐसा नहीं है कि इसके पेरेंट्स जो है इसके जो ऑनर है वो इस पर पैसे स्पेंड नहीं कर रहे या इस पर एफर्ट नहीं कर रहे ऑनर परचेज कर सकता है सामान लेकिन अगर डॉग खाएगा नहीं तो क्या और वो क्यों नहीं खा रहा वो भी इट इज़ अ बिग इशू वो क्यों नहीं खा रहा उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद तो इट इज़ नॉट मस्ट इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर डॉग नॉनवेज खाएगा तो ही अच्छा ग्रो करेगा लेकिन अगर हम उसे बैलेंस हेल्दी फूड देंगे तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है अगर डॉग फिट है देखिए ना अगर बैलेंस डॉग फूड दे रहे हैं तो डॉग फिट रहेगा उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी हमें बार बार वेटनरी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा हमें बार बार उसको ट्रीट नहीं करना पड़ेगा उसको मेडिसिन नहीं देनी पड़ेंगी और उसे ऑफ फीट वो उस वजह से वो ऑफ फीड भी नहीं होगा और अगर अगर डॉग ऑफ फीड नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होना लाजमी है हम अपने डॉग के साथ में जितना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे जितना ज़्यादा उसके साथ में खेलेंगे मस्ती करेंगे हम लोग उतना इन्जॉय करेंगे अगर डॉग हेल्दी नहीं है तो ऑनर के लिए बहुत बड़ी टेंशन होती है मेरा डॉग बीमार रह रहा है बार बार फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है या उसको स्किन की प्रॉब्लम है या कुछ भी ब्ला 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 ए नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी देयर लेकिन ऑनर तब खुश है जब हमारा डॉग हेल्दी है हैप्पी है फिट है उसकी ग्रोथ अच्छी आ रही है और देखने वाला उसे अप्रिशिएट कर रहा है हमारे लिए टेंशन नहीं होना चाहिए डॉग जो डॉग है उसकी ग्रोथ बहुत मस्त है बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए कस्टमाइज डाइट शेड्यूल जरूरी है और डॉगोमार्ट डॉट कॉम पर मैं कस्टमाइज डाइट शेड्यूल लेके आया हूं कंसल्ट सेक्शन में अगर आप आएंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितनी अच्छी डेवलपमेंट आ रही है राइट right? सो so, आप अपने फर बेबी को बेस्ट बैलेंस्ड फूड दीजिए सो दैट दे कैन ग्रो बेस्ट किसी टाइप की कोई कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की डियर फ्रेंड्स जब बच्चे की हमें प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए कैल्शियम चाहिए कैल्शियम किस लिए चाहिए बोन्स की फॉर्मेशन के लिए चाहिए हेड के डेवलपमेंट के लिए चाहिए टीथ निकलने हैं उसके लिए भी हमें कैल्शियम चाहिए और उसका फिटनेस लेवल बढ़िया रहे तो भी कैल्शियम चाहिए लिवर चाहिए। लिवर, चाहिए लिवर क्यों चाहिए लिवर चाहिए क्योंकि वो जो खाना उसको प्रॉपर भूख लगे और जो वो खाना खाए उसको वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होना चाहिए इसलिए उसे लिवर भी चाहिए मल्टी वाइटामिन चाहिए क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए चाहिए मसल डेवलपमेंट के लिए चाहिए एंटी ऑक्सीडेंट अमीनो एसिड्स एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी देयर ओमेगा मेगा थ्री सिक्स नाइन का कॉम्बिनेशन आता है वाइटामिन डी थ्री का आता है बहुत सारे जॉइंट बहुत सारे डॉग्स हैं जो बैलेंस फूड जिनको नहीं मिलता उनकी टांगे खराब होना शुरू हो जाती हैं बैलेंस फूड के अलावा ओवर एक्सरसाइज भी गलत हो जाती है टांगे खराब होना शुरू हो जाती हैं उनको भी क्योर किया जा सकता है जॉइंट्स वीक होना शुरू हो जाते हैं उनको भी क्योर किया जा सकता है लेकिन उसके लिए मस्ट है डाइट शेड्यूल कुछ भी खाना कितना भी खाना कुछ भी देना डॉग को खाने को और कितना भी दे देना इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल ये जो वीडियो बनाया है, ये इसलिए बनाया कि हमारे जो फर बेबीज हैं उनको बहुत सोच समझ के खाना देना चाहिए दे आर नॉट डस्टबिन कि हम चाय पी रहे हैं तो डॉग को भी चाय दे दी हम समोसा खा रहे हैं डॉग को भी समोसा दे दिया आलू का पराठा खा रहे हैं तो वो दे दिया लोग करते हैं ऐसा मेरे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं भैया हमारा डॉग तो पूरी के साथ हलवा बहुत पसंद करता है जब मना करो तो एक महीने बाद वो स्किन की प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं तो डॉग को नहीं पता कि मीठा खाना चाहिए या नहीं वी आर द ऑनर हमें सोचना है देना चाहिए या नहीं एक और पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज जो इसके ऑनर हैं उन्होंने मुझे पूछा था मैंने उन्हें सजेस्ट किया था लैब वाले भाई साहब के ऑनर ने मुझे पूछा था कि हम फ्रूट दे सकते हैं क्योंकि फ्रूट में शुगर है तो बनाना यू कैन गिव एप्पल यू कैन गिव यू कैन गिव मस्क मेलन वाटर मेलन दे सकते हैं ऑरेंज दे सकते हैं रीजन इनमें जो सोर्स ऑफ स्वीटनर है वो सुक्रोज है राइट right? शुगर नहीं है तो आप अपने डॉग को अगर फ्रूट देना चाहते हैं दैट इज वेरी गुड थिंग फिर उसके अलावा फाइबर दे सकते हैं फाइबर हम अगेन वेजिटेबल से दे सकते हैं सैलड से दे सकते हैं या फ्रूट से दे सकते हैं तो ये सब चीजें बहुत मस्त हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो डॉग है बहुत हेल्दी रहे बढ़िया ग्रो करे फिट रहे ओवर मोटा भी ना हो जाए अंडर फैट भी ना रह जाए कमज़ोर भी ना रह जाए हाइट भी बढ़नी चाहिए अभी इन भाई साहब की हाइट भी इतनी अच्छी नहीं ग्रो कर रही रीज़न खाते नहीं है प्रभु जब खाएंगे तो बात बनेगी ये जो वीडियो बनाया है ये आप सब दोस्तों के लिए आई होप ये आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ ये लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिस ना करें साइंद करेंगे मुझ पर आप पे हमारे सफर बेबीज पे इस बेबलो पे और उस ब्रूनो पे और इनके ऑनर्स पे थैंक यू सो मच लव यू ऑल थैंक यू